बिना मावा के गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। इसमें हम सबसे पहले 2 चम्मच मैदा डाल देंगे। एक चम्मच सूजी, 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। ये 1 कप यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है मैंने, इसको इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, इन सबको मिक्स कर लेंगे। वन कप दूध लिया है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध है। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करके इसका हमें सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे इस तरह से ढककर। गुलाब जामुन के लिए शुगर सिरप तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1½ कप चीनी ली है। इसमें हम 1½ कप ही पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने शुगर सिरप में थोड़ा सा केसर डाल दिया है और कुछ इलायची के दाने डाल दिए हैं। इसमें अभी हम बॉईल आने देंगे। इसमें बॉईल आ गया है, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। इसको बस हम 2 मिनट और इसी तरह से बॉईल होने देंगे। इसमें हमें कोई तार नहीं बनाना है, हल्का सा इसमें बस चिपचिपापन आना चाहिए। इसको हम सिंपल करके 2 मिनट और इसी तरह से बॉईल होने देंगे। शुगर सिरप को चेक कर लेते हैं, इसमें हल्का सा चिपचिपापन आ गया है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। गुलाब जामुन के लिए इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक गुलाब जामुन बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारी कुछ बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। ऑयल गरम हो गया है, गैस की फ्लेम को हमें कम पर ही रखना है। गुलाब जामुन डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। गुलाब जामुनों को हमें कम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई करना है। इनको हम पलटते जाएंगे। गुलाब जामुनों में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। गरम गरम गुलाब जामुन को हम शुगर सिरप में डाल देंगे और इनको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे इंस्टेंट गुलाब जामुन बनकर तैयार है, जिसे हमने बिना मावा के बिना खोए के बनाकर तैयार किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसको हम पिस्ते से गार्निश कर देंगे।